good morning my dear students on behalf of rasa international school i hope you all are safe and fine at home today i'm going to teach you english language chapter number 9 degrees of adjective of quality it is on page number 48 and 49 so let's start it chapter number what chapter number 9 and the chapter name is degrees of adjective of quality means adjective of quality key डिग्रीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द थ्री डिग्रीज पॉजिटिव डिग्री कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स क्वालिटी का एडजेक्टिव जो होता है उसकी तीन डिग्री में से किसी एक में एक्सप्रेस किया जाता है मीन्स व्यक्त किया जाता है पॉजिटिव डिग्री में कम्परेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में मीन्स एक्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी को तीनों डिग्री पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव इन दो तीनों में से किसी एक में एक्सप्रेस किया जाता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो कंपरेटिव हो चाहे वो सुपरलेटिव हो तीनों में से किसी एक में एक्सप्रेस किया जाता है एक्जक्टिव ऑफ क्वालिटी को लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखें सो द फर्स्ट सेंटेंस इज गीता इज अ टॉल गर्ल पॉजिटिव गिवरी गीता क्या है एक लंबी लड़की है सो इट्स अ पॉजिटिव डिग्री सेकेंड एग्जाम्पल इज शी इज़ टॉलर देन रीमा एंड श्रेया कम्परेटिव डिग्री वह रीमा और श्रेया से लंबी है वह कौन गीता मीन्स गीता रीमा और श्रेया से लंबी है थर्ड सेंटेंस इज शी इज द टॉलेस्ट इन आर ग्रुप इट्स सुपरलेटिव डिग्री वह हमारे ग्रुप में सबसे लंबी है टॉलेस्ट है सो हेयर इन द फर्स्ट सेंटेंस क्वालिटी ऑफ गीता इज दैट शी इज टॉल बट दिस क्वालिटी ऑफ हेयर इज नॉट compared विद anyone hence tall टॉल इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव डिग्री मीन्स यहाँ पहले वाक्य में गीता का गुड़ है उसकी क्वालिटी है कि वो टॉल है मीन्स लंबी है लेकिन उसके इस गुड़ की तुलना किसी से नहीं की जाती सो so, टॉल क्या हुआ यहाँ पर टॉल को पॉजिटिव डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है इन द सेकेंड सेंटेंस गीताज़ क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल इज कम्पेयरड विथ रीना रीमा एंड श्रेया टू पीपल हैंस इट्स एक्सप्रेस्ड अज टॉलर इन कंपरेटिव डिग्री दूसरे वाक्य में गीता के लंबे होने के गुण की तुलना रीमा और श्रेया दो लोगों से की जाती है इसलिए कम्परेटिव डिग्री में टॉलर के रूप में एक्सप्रेस किया गया है मींस सेकंड सेंटेंस में गीता के लंबे होने की तुलना रीमा और श्रेया से की गई है सो so, ये क्या है जो टॉलर वर्ड का जो यूज किया गया है वो कंपरेटिव डिग्री है थर्ड सेंटेंस में इन द थर्ड सेंटेंस गीताज क्वालिटी ऑफ बींग टॉल इज कम्पेयर विद अ ग्रुप कंपेरिजिंग रीमा श्रेया एंड द स्पीकर मोर देन टू हैंड्स इट्स एक्सप्रेस्ड अ स्टॉलेस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री तीसरे वाक्य में गीता के लंबे होने के गुण की तुलना एक समूह मीन्स एक ग्रुप से की जाती है रीमा श्रेया और स्पीकर यानि कि दो से अधिक लोगों से की जाती है इसलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री में टॉलिस्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है जो तो क्या हुआ टॉलिस्ट हुआ सुपरलेटिव डिग्री सो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी को तीन डिग्री में से किसी एक डिग्री में व्यक्त किया जाता है पॉजिटिव डिग्री कम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जब किसी के गुण की तुलना किसी से नहीं की जाती है पॉजिटिव डिग्री होगा जब किसी के गुण की तुलना किसी दूसरे से की जाती है किसी दो लोगों से की जाती है या एक लोगों से की जाती है तो कंपरेटिव डिग्री होगा जब किसी के गुण की तुलना दो से अधिक लोगों के साथ या फिर ग्रुप के साथ की जाती है तो वो क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री होगा एग्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी सो टोटल वी हैव थ्री एग्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी एज आई टोल्ड यू पॉजिटिव डिग्री कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री सो द पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट्स नो कंपेरिजन पॉजिटिव डिग्री कोई भी कंपैरिजन को इंडिकेट नहीं करती है मीन्स पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है एग्जांपल टॉल बिजी नाइस फैट ब्राइट फार वाइस गुड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट एंड हैंडसम ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर पॉजिटिव डिग्री नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री इंडिकेट्स कंपैरिजन बिटवीन टू कंपेरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है एग्जांपल टॉलर बिजियर नाइसर फैटर ब्राइटर फारदर वाइजर बेटर मोर ब्यूटीफुल मोर इंटेलिजेंट एंड द लास्ट इज मोर हैंडसम सो ऑल ऑफ दिस आर what ऑल ऑफ दिस आर comparative डिग्री comparative डिग्री में दो लोगों के बीच में comparison किया जाता है ओके थर्ड एंड लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेट्स comparison विद मोर देन टू सुपरलेटिव डिग्री में comparison इंडिकेट किया जाता है दो से अधिक लोगों के साथ means जब दो या दो से अधिक लोगों के साथ दो से अधिक लोग या फिर ग्रुप के साथ जहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है वो क्या है सुपरलेटिव डिग्री है एग्जाम्पल टॉलेस्ट बिजिएस्ट नाइसेस्ट फैटेस्ट ब्राइटेस्ट फार्थेस्ट वाइजेस्ट बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द लास्ट इज मोस्ट हैंडसम यूज ऑफ देन एंड दी दैन और दे का यूज़ मीन्स दैन का यूज़ कहाँ होता है और दे का यूज़ कहाँ होता है वो हम जानेंगे कंपेरेटिव डिग्री इज़ फॉलोड बाय देन वाइल्ड सुपरलेटिव डिग्री इज़ प्रसिस्ड बाय दी इन अ सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में दैन का यूज़ किया जाता है जबकि सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज़ किया जाता है दी का यूज़ किया जाता है लुक एट द गिन सेंटेंसेस नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए एज यू कैन सी फोर सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ योर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माइन आपकी हैंड राइटिंग मेरी हैंड राइटिंग से ज़्यादा अच्छी है सो हेयर देन इज़ यूज इन कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है मेरी और आपकी हैंड राइटिंग के साथ सेकेंड सेंटेंस इज़ हर हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन आर क्लास उसकी हैंडराइटिंग पूरी क्लास में सबसे बेस्ट है तो यहाँ पर पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है तो दिस इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री और इसमें किसका यूज़ किया जा रहा है द का यूज़ किया जा रहा है थर्ड इज़ कॉलेज बिल्डिंग इज बिगर देन द स्कूल बिल्डिंग कॉलेज बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ी है सो so, यहाँ पर कंपैरिजन है स्कूल बिल्डिंग एंड कॉलेज बिल्डिंग में सो so, हम यहाँ पर ये यह क्या है कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है देन का यूज़ किया गया है लास्ट सेंटेंस इज़ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है मीन्स कॉलेज से स्कूल से सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है सो so, ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ तुलना की जा रही है सो so, हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं द का यूज़ कर रहे हैं दी का यूज़ कर रहे हैं सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर हैव अ नाइस डे थैंक यू